हम बात कर रहे हैं IRFC की। आज लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो स्टॉक ने हमको 2% के ऊपर के अपसाइड के साथ क्लोजिंग दिखाई है। जब स्टॉक ने गिरावट दिखाई थी और इस सपोर्ट से बाउंस बैक हुआ था, हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक इसके रिसेंट हाई को ब्रेकआउट कर सकता है, इसके पूरे पूरे चांस बन रहे हैं। और इसके ब्रेकआउट के बाद हमने 180 तक के टारगेट को भी डिस्कस किया था। चैनल पर वीडियो मौजूद है, चाहे तो देख सकते हैं। हमने जब यहाँ से बाउंस बैक हुआ था तो क्यों कहा था कि इस लेवल को ब्रेकआउट करता नज़र आ सकता है, क्योंकि चार्ट पैटर्न पर नज़र डालो दोस्तों तो हमको समझ आएगा कि स्टॉक ने एक जंप लिया, गिरावट आई तो लो ब्रेकडाउन नहीं हुआ, अगेन जंप हाई ब्रेकआउट किया था, गिरावट के साथ अपने लो को ब्रेकडाउन नहीं किया और जंप आया था। इस अकॉर्डिंग हमने कहा था ये हाई इसका ब्रेकआउट होता नज़र आ सकता है। स्टॉक हमको एक चैनल में काम करता नज़र आ रहा था और इसी अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक बाउंस बैक होके अपने इस हाई को ब्रेकआउट देता नज़र आ सकता है। यहाँ से IRFC और टारगेट, बड़े टारगेट दिखा सकता है। गिरावट आती है तो तगड़े सपोर्ट की बात करें, जिस लेवल को ब्रेकआउट किया 160 का लेवल, यही तगड़ा सपोर्ट रहेगा। देख सकते हैं जैसे ही 160 का लेवल ब्रेकआउट हुआ, लगातार बड़ी बाइंग हमको देखने के लिए मिली है। अब इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा, टारगेट अपना इमीडिएट रहेगा 180 का लेवल, इसका तगड़ा रेजिस्टेंस बनने वाला है। तो अब इस रेंज में हमको थोड़ी सी फ्रेश बाइंग को अवॉइड करके चलना है। 180 के लेवल का ब्रेकआउट का इंतज़ार करते हैं। अगर 180 के ब्रेकआउट को करके स्टॉक सस्टेन हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में अगला टारगेट 190 और इसके ब्रेकआउट के बाद 194 से लेके फिर 200 तक के भी टारगेट IRFC अब हमको शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।